देवास के चामुंडा कॉम्प्लेक्स में आज गुरुवार को गोवंश एवं स्वानों को लेकर सिम्बा और गोपाल एनिमल वेलफेयर सोसाइटी एवं राष्ट्रीय वंदे को माता संघ ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने बताया कि देवास में स्वानों की आबादी बढ़ रही है क्योंकि नगर निगम द्वारा उनकी नसबंदी नहीं की जा रही है और ना ही एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि जो गोवंश सड़कों पर घूमते हैं उनके लिए भी कुछ कड़े कदम उठाना चाहिए, उसके लिए गोपालकों को भी जिम्मेदार होना चाहिए। नगर निगम सड़कों पर घूम रहे मवेशियों को हटाता है और उन्हें गौशाला पहुँचाता है। शहर में जो गोपालक अपने पशुओं को आवारा छोड़ देते हैं, ऐसे गोपालकों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यह प्रेस वार्ता बेसहारा बेघर श्वानों एवं गाय माताओं के जो बढ़ती संख्या है उनको निराकरण को लेकर है, और साथ ही हम यह चाहते हैं नगर निगम और जितने भी हमारे आला अधिकारी हैं उनसे निवेदन है कि जो गौ माता रोड पे बेसहारा घूम रही है, हम हमारी टीम उसे वहां से स्थानांतरित कराने में सक्षम है, पर हमें नगर निगम की टीम द्वारा सहयोग किया जाए, वह हमें वाहनों की उपलब्धता कराई जाए ताकि हम जो भी नगर निगम में गाय जाती है पशु चिकित्सालय में जाती है वो केवल इलाज होने हेतु जाती है, परंतु उनका मरण अवस्था में ही वहाँ से निकलना होता है। तो पशु चिकित्सालय जो है बीचों बीच है शहर के, तो मेरा सभी समाजगण से पहले तो निवेदन है कि सबसे पहले मंदिर जाने के पहले पशु चिकित्सालय जाके गाय माता की सेवा करें ताकि जो गाय को अपनी ज़रूरत है वो आपकी पूर्ति हो जाएगी और जितने भी देवी देवता हैं सब उसमें ही विराजमान है गाय माता में। दूसरी बात, हम चाहते हैं कि नगर निगम जितने भी गोपालक हैं वो रजिस्ट्रेशन करवा दे गायों का, जिससे कि गायों को सुविधा रहे। अगर गोपालकों को पर नोटिस जारी कराए अगर गाय बाहर घूमती है तो उन पर कार्रवाई हो, यही सब चीज़ें हैं और नगर निगम हमारा सहयोग प्रदान करे, बस यही चाहते हैं। ठीक है। और साथ ही ये जो 1962 जो एम्बुलेंस घूम रही है इसका शुल्क जो है वो कम से कम किया जाए ताकि जो भी हमें सहयोग हेतु फ़ोन लगाता है वो सक्षम नहीं होता है 150 रुपये देने में, तो हमें सूचित नहीं कर पाता है। साथ ही गौ माता को लाने के लिए पशु चिकित्सालय में लाने के लिए कोई हमें नगर निगम वाहन की व्यवस्था कराए ताकि हम रात्रिकालीन या जब भी हमारी टीम फ्री रहे हम नगर निगम के साथ जाके और गाय माता को स्थानांतरित। जीतू रघुवंशी, राष्ट्रीय वंदे गौ माता संघ राष्ट्रीय। देवास शहर में कुत्तों की जो आबादी बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने का एकमात्र तरीका है नसबंदी करना, जो हमारे यहाँ नगर निगम में चालू तो होता है लेकिन फिर 2-3 महीने बाद बंद किया जाता है और उससे उसका इफेक्टिवनेस पूरी तरह से खत्म हो जाता है। बिकॉज किसी भी, ये एक रूल है एबीसी का, एनिमल बर्थ कंट्रोल का, कि वो तभी सक्सेसफुल होता है जब किसी भी जगह की पॉपुलेशन सपोजिंग 1000 है तो 1000 कुत्तों का ऑपरेशन या उसमें से 75% डॉग्स का ऑपरेशन एक साल के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, जिससे उनका हीट साइकिल ब्रेक हो जाए, वो तब एक्चुअली इफेक्टिव होगा। और इसके साथ ही नगर निगम से मैं बहुत बार ये रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ कि जो सड़क पर बेसहारा बेघर श्वान घूम रहे हैं उनको एंटी रेबीज के टीके हर साल लगने चाहिए, और ये नगर निगम का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको करना ही चाहिए ताकि लोगों को रेबीज का खतरा नहीं हो। ये तो बहुत आसान है, वेटरनरी डिवीजन से एंटी रेबीज के टीके उनको मिल सकते हैं फ्री, उनके पास डॉग कैचिंग टीम ऑलरेडी है। वार्ड वाइज हर दिसंबर प्लानिंग करके हर एक वार्ड में जाके गली के कुत्ते को पकड़ के एंटी रेबीज का टीका लगा के वहीं छोड़ दिया जाना चाहिए। इतना तो कम से कम जनहित में करना ही चाहिए नगर निगम को, नहीं तो एंटी रेबीज से फिर बचाव होगा कैसे। प्लस नसबंदी कृपा करके बंद ना करें, कम से कम 2 साल विदाउट अ फेल, विदाउट अ सिंगल डेज डिले उसको चालू करें प्लीज, ये तो ही सक्सेसफुल होगा, नहीं तो सारा पानी पैसा पानी में जाता है। अगर 1 दिन करें 4 दिन बंद करें उसका इफेक्टिवनेस खत्म हो जाता है। मेरी नगर निगम के कमिश्नर साहब से और कलेक्टर साहब से हाथ जोड़ के विनती है, कृपा करके इसमें सभी के, ये जनहित का कार्य है, नगर निगम के ही बस की है, मैं अकेली नहीं कर पाऊंगी। कुत्ते आक्रामक ना हो इसलिए रोज मैं मेरे पैसे से 650 कुत्तों को खाना खिलाती हूँ, क्योंकि पेट भरा हुआ होता है तो कुत्ता चिड़चिड़ कम गुस्सा करेगा, उनको भी भूख लगती है, हमको लगती है वैसे ही। मैं इतना तो अपने पैसे से करती हूँ, मैं इसीलिए खाना खिलाती हूँ लोगों से झगड़ के कि नहीं यहाँ खाना मत। नसबंदी इमीडिएट इफेक्ट से चालू करा के, और प्लीज 2 साल तक बंद ना करें इसको एट एनी कॉस्ट, तभी इफेक्टिव होगा। और एंटी रेबीज टीका हर वार्ड के कुत्ते को लग जाना चाहिए हर दिसंबर, और ये साल भर में वापस रिपीट करना होता है, एक बार लगा के खत्म नहीं होता हर साल, इसीलिए हर दिसंबर मार्क कर लेते हैं, हर दिसंबर में हर साल सारे कुत्तों को एक बार एंटी रेबीज का टीका जरूर। बजट आता है, बिल्कुल आता है, इसकी जानकारी आप लोग ले सकते हैं नगर निगम से। टीके कभी भी नहीं लगाए नगर निगम ने, कभी भी नहीं लगाया। नसबंदी रुक रुक के करते हैं, नसबंदी पिछले 6 महीनों से तो मुझे नहीं लगता हुई क्योंकि दवाइयां खत्म हो गई, पर ये नगर निगम की जवाबदारी है ना सर, दवाइयां मुहैया कराए, कहां से लाएं, उनका लुकआउट है ये। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सूरी की रिपोर्ट।